जय बाबा भूतनाथ की। पानी घुस चुका है। बोला बाबा भूतनाथ की जय। ये है गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था। यहाँ पर बहुत जगह है गाड़ी पार्किंग के लिए पूरी, तो गाड़ी पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी है। तो चलिए चलते हैं बाबा भूतनाथ मंदिर। और आज भंडारा है, और भव्य भंडारा, मतलब विशाल भंडारा है, और काफ़ी मतलब भक्तगण आए, दूर दूर से आए हुए हैं। वो देखो मंदिर के दर्शन हो गए जो बाबा भूतनाथ की। चलिए चलते हैं, ये रास्ता तो है ही है, बाकी ऊपर से भी लोग आ रहे हैं, बेमतलब का रास्ता बना रहे हैं ऊपर से। ये रास्ता सही है, थोड़ा सा घूम के नहीं आ सकते, बट आप शॉर्टकट लोगे तो वो ऐसा रास्ता आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो शॉर्टकट बिल्कुल ना ले। देखिए ऐसे बिल्कुल ना आए, बिल्कुल भी ऐसे नहीं आए। यहाँ से ऊपर से आ रहे थे, मना कर रहे कि यहाँ से नहीं आ, घूम के आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ गए, पान की व्यवस्था, यहाँ पर पान मिल रहा है। ठीक है, 10 रुपये का एक पान। ठीक है, तो चलिए बाबा के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे अभी सब फूल की दुकानें बंद है अभी। यहाँ पर व्यवस्था है, ये देखिए, हर हर महादेव शिव शंभु शंकर, बर्फ से बना हुआ है नंदी प्रभु और भोले प्रभु की शिवलिंग। हर हर महादेव शिव शंभु शंकर, बहुत ही खूबसूरत यार, हर हर महादेव। और यहाँ पर मिल रहा है, ये मिल रहा है शरबत यहाँ पर, कि काफ़ी दूर से आप लोग आ रहे हो और ठंडा पीना हो तो पी लीजिए। जय बाबा भूतनाथ की। बाबा के मंदिर में जाने से पहले थोड़ा सा प्रसाद ले रहा हूँ बाबा का। हाँ, अच्छा है। बाबा भूतनाथ की तो बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है, जय बाबा भूतनाथ की, और अति सुंदर। ये देखिए, और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से। और देखिए, अरे अपने हाथ से लेने की सुविधा है भंडारे में, बफर सिस्टम। और काफ़ी जगह है, काफ़ी लंबी छोटी जगह है, पहले दर्शन करते हैं फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को जो भी दान देना हो तो आप लिखवा भी सकते हैं बकायदा, और पेटी में भी डाल सकते हैं। ये यज्ञ कुंड, बोलो वाह भूतनाथ की जय। बाबा के पास 56 भोग लगे हैं, जय हो मेरे बाबा। तो आज बहुत भीड़ है, और इस सारी व्यवस्था भी देखना पड़ती है उनको। ठीक है, काफी दूर दूर से यहाँ पर होगी भजन संध्या, वो भी शाम को 7 बजे से शुरू हो जाएगी भजन संध्या। ये है पूरे भंडारे की व्यवस्था, काफी अच्छी है। आइए प्रसाद लीजिए, बहुत चीज़ बना हुआ है, बहुत चीज़। देखो हलवा भी है, सबसे पहले हलवा, फिर इसके बाद सब्जी, फिर पूरी, पूरी व्यवस्था है, एकदम अच्छी व्यवस्था है। सब्जी पूरी हलवा, सब्जी पूरी हलवा, सब्जी पूरी हलवा, सब्जी बड़ा, कम से कम 10 काउंटर है यहाँ पर सब्जी पूरी हलवा के। तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था अच्छी है, और यहाँ पर नीचे बैठ के आराम से आप खा भी सकते हैं। देखिए जैसे कि बहुत सारे जने बैठे हुए हैं, और वहाँ पर लगी है पूरी प्लेटें, जैसे शादियों में होता है, ट्रैक्टरों से पूरी आ रही है। ठीक है, मतलब भंडारे, विशाल भंडारा है, भव्य भंडारा। जब तक आप लोग आना चाहते हैं तब तक आ सकते हैं, और भंडारा ग्रहण कर सकते हैं बाबा का प्रसाद। जय बाबा भूतनाथ। देखिए अभी भी स्टॉल बढ़ा रहे हैं, सब्जी पूड़ी हलवा, सब्जी पूड़ी हलवा, सब्जी पूड़ी हलवा। कम से कम ऐसे मतलब करते 25 काउंटर हो जाएंगे, और ज़्यादा हो सकते हैं।
और यहाँ पर इतना अच्छा है कि आपने खाया वगैरह फिर उसके बाद आपको प्लेट फेंकनी है तो बकायदा आप ट्राली में प्लेट फेंक सकते हैं। और यहाँ पर बच्चे भी है जो कि सेवा दे रहे हैं बकायदा और प्लेट जय बाबा भूतनाथ। देखा मतलब ऐसा जोश है और पानी पीने की भी व्यवस्था यहाँ पर है यार, बहुत बड़ा यार, जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि नगर निगम की गाड़ियाँ भी है यहाँ पर, कचरा गाड़ी देखिए वो रखी है, तीन गाड़ी रखी हुई है ठीक है। और पानी पीने के लिए टैंकर भी यहाँ पर उपलब्ध है ठीक है, नल भी बने हुए हैं, मग्गे भी लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था है बहुत अच्छी। और आगे है सेवा चिल्ड वाटर, देखिए वहाँ पर सेवा चल रही है, यहाँ पर है ठंडा पानी, सेवा चल रही है, आइए लोटा भरिए पानी पीजिए। पर मौसम की माने तो मौसम ये कह रहा है कि बारिश होने वाली है, बारिश जैसा मौसम हो चुका है पूरा ठंडा ठंडा, हवा भी काफ़ी चल रही है। ये देखिए इतनी हवा चल रही थी कि टेंट उड़ गए, वहाँ से खंभे उखड़ गए टेंट के, लाइट वगैरह चालू कर दी है। देखो प्लेट भी वहाँ पर दे रहे हैं आपको, एक एक प्लेट व्यवस्था देखिए आप। ज़्यादा भीड़ जाएगी तो आप लोगों को लाइन बाय लाइन बनाना पड़ेगी और प्रसाद लेना पड़ेगा जो मेरे बाबा की। देखिए भजन संध्या वहाँ पर, और यहाँ पर LED वगैरह भी लगी हुई, वहाँ पर भी लगी हुई है और वहाँ पर भी LED लगी हुई है। और यहाँ पर आप बकायदा बैठो, भोजन करो और भजन संध्या का आनंद भी लो। जय श्री बाबा भूतनाथ। तो भोजन प्रसादी जय मेरे बाबा की, जय श्री गणेश, जय मेरे बाबा की। यार बारिश जैसा मौसम हो गया और बूंदे कुछ टपकना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए प्रसाद बन रहा है अभी, और बन रहा है, और उधर भंडारा चले जा रहा है, काफ़ी पब्लिक आ चुकी है भंडारा ग्रहण करने। देखिए इस ट्रैक्टर से अभी झूठी जो प्लेटें इसमें रखी थी वही, और यहाँ पर खाली हुई, उधर धोना चल रहा है, और यहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई है, भट्टियाँ चल रही है और सब्जी बन रही है, और यहाँ पर प्लेटें धुल रही है, यहाँ पर सब्जियाँ कट रही है अभी भी, और अभी भी पूड़ी बन रही है जय बाबा भूतनाथ की। यह सब्जी कटी हुई रखी है, सब बनी रही है जय बाबा भूतनाथ की। कैसे लागी रही हो? एक नंबर। बारिश आई रही, बस पानी आई रही है, नहीं जम क्या आई रही हो, अब जम के आने जा लो पानी। दो तीन चार पाँच छ सात, पूरा मौसम खराब हो चुका है मौसम। देखो बारिश आ गई है, चलो पल्ली, पानी बहुत तेज हो चुका है, और हमने ये तिरपाल विरपाल सबने बिछाई और यहाँ पर पूरी सामान वहां रखा हुआ है, और हवा ऐसी चल रही है कि उड़ा रही है हम लोगों को बिल्कुल। जी हो बाबू, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बाबू जी, बैठी जाओ। और यहाँ पर ये हवा आ रही है, पूरी व्यवस्था मतलब थोड़ा सा व्यवस्था बिगड़ रही है अभी यार। जो बाबा पानी बंद करो, अरे बाप रे, बहुत तेज पानी आ रहा है, बहुत तेज। हाय हाय, जय बाबा भूतनाथ। कैसे कैसे देखो, अरे बाप रे, पूरे गीले हो चुके ऐसा लग रहा है। हमारे यूट्यूबर राज सोनार्थिया जी पानी की व्यवस्था करते हुए, बारिश बहुत हो रही है और सारी पब्लिक गायब हो गई क्या, मतलब पानी बहुत गिर रहा है यार,
देखना पूरा यार, मैदान मैदान गीला हो गया, पूरा खेत गीला हो गया, पूरी पब्लिक गायब हो चुकी है। ये मेरा बाबा क्या कर रहे हो यार, सिर्फ 5-6 जने दिख रहे हैं जो सेवा कर रहे हैं, सब व्यवस्था कर रहे हैं उधर, और भजन संध्या भी पूरा खुश, सब कुछ कैंसिल। रे बापा क्या हो रहा है यार। और इधर देखो सब पूरी का में गरम गरम तेल था, ये सब कढ़ाइयों में व्यवस्था। देखो इसके अंदर आटा रखा हुआ है, देखो नहीं नहीं देखो भट्टी अभी भी जल रही है, जल रही है भट्टी, पानी गिर रहा है, भट्टी जल रही है, निकल जाओ थोड़ा। ये देखो वो देखो भट्टी जल रही है, भट्टी ये भट्टी जल रही है, पानी अभी भी आ रहा है। अरे मेरे बाबा पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया सब जगह। वो देखो वो भट्टी भी जल रही है, ये देखो सेवा देते हुए, वो देखो सेवा चल रही है। जो मेरे बाबा सब अस्त व्यस्त हो गया। रे पूरे खेत में कीचड़ ही कीचड़ हो गया, पानी आना बंद नहीं हो रहा है। और ना ट्रैक्टर फंसे जा रहे हैं, उधर चालू कर दिया भंडारा थोड़ा था, उधर गाड़ी फंस रही है, सब भयंकर कीचड़ वीचड़ बहुत लग रहा है यार। हमारे जूते की हालत देख लीजिए, हालत खराब हो रही है, मतलब ऐसा हो गया ना। अभी बाबा के मंदिर के पास आ गया हूँ, उधर से फिर अभी पानी थोड़ी देर रुका था, वापस चालू हो गया पानी। देखो जय हो बाबा भूतनाथ की। देखे मंदिर में बहुत भीड़ है, हो रही है। देखे यहाँ पे भोले प्रभु, जय हो मेरे बाबा, क्या करवा रहे हो बाबा, बारिश करवा दी आपने भोले बाबा, पूरा भोले बाबा पानी मत गिरवाओ यार, पूरी 12 बजे दी है नी। उधर चालू कर दिया भंडारा, इधर है ना व्यवस्था कर दी है खाने की, ठीक है सब इसके नीचे। जे हो मेरे बाबा, क्या कर दिया, हाल कैसा हो गया है, पूरी अस्त व्यस्त व्यवस्था हो चुकी है। ये चल रहा भंडारा भी, इधर आ गया खेत में तो पानी पानी हो चुका है, लाइन लगा लगा के यार, तो कम 40 से 50 स्टॉल होते थे उधर, और अब इधर 1-2 स्टॉल ही लगाना पड़ रहा है। ये देखो कितनी भीड़ लग रही है, जय हो मेरे बाबा भूतनाथ की जय। यहाँ से प्लेट वगैरह दे रहे हैं, तो उधर सब लगे हुए व्यवस्था यार, बहुत पूरी बिगड़ गई व्यवस्था। बाबा क्या कर रहे हो यार, इतनी अच्छी व्यवस्था थी पर पानी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। तो चलिए यहाँ से तो चलते हैं, क्योंकि काफी भीड़ हो चुकी है, पूरी व्यवस्था बिगड़ चुकी है, कहीं पर भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और खाने की भीड़ की बात करूँ तो खाने पर भीड़ बहुत लगी हुई है, बाबा का प्रसाद इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है वहाँ पर। आपको मैं बता दूँ कि खेत में कम से कम 40 स्टॉल थे और भी बढ़ रहे थे, बट क्या करें पूरी व्यवस्था बिगड़ गई। ओ भैया ओ भैया ओ उधर जाओ, थाली लेगा थाली।